उम्मीदवार मियां बलीगुर रहमान अपनी कंपेन कर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मालूम करेंगे नुमाइंदा रोही मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अमीन, कहिएगा चंद रोज बाकी हैं, कैसी गहमा गहमी है हल्के में? जी बिल्कुल, इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं वो अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो तमाम वोटर्स को हल्का भर में आखिरी एक बार टच जरूर करें। इस हवाले से हम मियां मोहम्मद बलीगुर रहमान के साथ मौजूद हैं, हल्का एन 160 है, उनसे बात करते हैं। 170 को क्या कहना है उनका, कैसी रही कंपेन और क्या वो देख रहे हैं? सर बताइएगा, 25 जुलाई का दिन कैसा देख रहे हैं और कैसी रही कंपेन, कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं समझता हूँ कि 25 जुलाई एक नया फैसला लेकर आएगा और 26 की सुबह जो है एक रोशन तलू होगी, जिसमें अवाम जो है इस मुल्क की सिमत जो है एक सही जमहूरी आइनी मुमलिकत जहाँ पे आइन सबके लिए एक होगा, तमाम इदारे, तमाम लोग, चाहे तमाम सियासतदान और तमाम सरबराहान, सबके लिए एक आइन, एक पाकिस्तान होगा। सर हनीफ अब्बासी को इंतखाब से दो कबल जो है दो दिन कबल उम्र कैद हो गई, इस पर आप क्या मौकफ देंगे अपना? देखिए, ये यकीनन महज इत्तफाक ही होगा कि दो रोज कबल हो गई, और ये भी इत्तफाक ही होगा कि पिंडी का इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब जो हैं उनको भी नैब ने उठा लिया इलेक्शन कंपेन के दौरान, जबकि मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई ईमानदार और सुलझे हुए शख्स हैं, एक पक्के सच्चे पाकिस्तानी हैं, हुब्बे वतन हैं। उन्होंने 30 लाख बच्चों को स्कूल में एनरोल करके जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो बहरहाल उनकी मुल्क के लिए खिदमात हैं, लेकिन इलेक्शन कंपेन के दौरान उनको उठाया गया है और इलेक्शन कंपेन के दौरान ही पिंडी के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, तो इसको हम सब देख रहे हैं जी, इन इत्तफाक फैसलों को देख रहे हैं जो पिंडी में हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में जो मुश्किल फैसले हो रहे हैं, उनका कहना है कि हम उन फैसलों को देख रहे हैं। राणा तारिक साहब मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून के नाम से उम्मीदवार हैं, बताइएगा सर इतनी मुश्किल के बावजूद भी मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी है और अपनी कंपेन के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है, अवाम का हमें इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि कॉर्नर मीटिंग्स के लिए हमारे पास टाइम कम है। इस दफा तो वैसे भी टाइम शॉर्ट था कंपेन करने के लिए, और पब्लिक ने हमें बहुत रिस्पांस दिया है। बहावलपुर की अवाम वैसे भी मुस्लिम लीग की बहुत खैर खा है, और नवाज शरीफ साहब कायदे अवाम हमारे बहावलपुर को अपना दूसरा घर कहते हैं, और इंशाल्लाह हम अच्छी अल्लाह ताला से हमें उम्मीदें हैं और भरपूर तरीके से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मेहनत, इनका कहना है कि जो मेहनत है हमारी वो जरूर रंग लाएगी और 25 जुलाई को जो है वो शेर पे ठप्पे लगेगी।